चलिए खबरों के सिलसिले की नए सिरे से शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण की तैयारियां करीब करीब पूरी हो गई हैं। यूपी चुनावों से ठीक पहले कल पीएम मोदी बनारस में इसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। इस वक्त कैसी है काशी की रंगत और क्या है तैयारी, आइए आपको दिखाते हैं एक विशेष रिपोर्ट। ऐसी अद्भुत काशी की कल्पना कभी किसी ने सपने में भी नहीं की होगी। ऐसे भव्य कॉरिडोर के बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। ये वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है जिसके पीछे काशी का वो गंगा पुत्र है जिन्हें लोग मोदी कहते हैं। बनारस के लोगों को नए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन बाद 13 दिसंबर को काशी पहुंच रहे हैं। कोई हरिद्वार से, कोई ऋषिकेश से, कोई हिमालय से, कोई कश्मीर की वैली से, कोई कन्याकुमारी से, ऐसे 3000 महात्मा, साधु, संत, महापुरुष, ज्ञानी कल शाम से आना शुरू हो जाएंगे और 13 तारीख को इस ऐतिहासिक परिवर्तन को जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लोकार्पण करेंगे उसके वो साक्षी बनेंगे। सोमवार को कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले मंदिर परिसर को खास ढंग से सजाया संवारा जा रहा है। गेंदे के अलग अलग रंगों के फूल और पत्तियों के अलावा हर लड़ी के नीचे एक घंटा लगाया जा रहा है जो अपने आप में बेहद खूबसूरत है। इस पूरे कॉरिडोर और काशी विश्वनाथ मंदिर के भीतर इस वक्त जैसी रंगत नजर आ रही है वो अभूतपूर्व है। पहले कभी अगर आप विश्वनाथ मंदिर आए होंगे तो सकरी गलियों की वजह से जो मंदिर का शिखर है वो कभी दिखाई नहीं देता था, लेकिन अब परिसर बड़ा होने की वजह से दूर से ही शिखर दिखाई दे सकता है। मैं मौजूद हूं काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अंदर और आप देखिए कि यहां दूर से ही बाबा विश्वनाथ का जो गर्भगृह है उसके ऊपर जो स्वर्ण की शिखर बनाया हुआ है वो बिल्कुल साफ दिखाई दे सकता है। पहले भी ये मंदिर ऐसा ही था, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है क्योंकि मुख्य मंदिर के साथ सिर्फ साफ सफाई के अलावा कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, लेकिन अब चूंकि जगह ज़्यादा होने की वजह से ये जो मंदिर का दूर से दृश्य है वो बेहद खूबसूरत भी नजर आता है और भव्य और दिव्य भी नजर आता है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन का मुहूर्त दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे के बीच है। पीएम मोदी जल मार्ग से ललिता घाट तक आएंगे, ललिता घाट से गंगा जल लेकर वो मंदिर परिसर में आएंगे। पूजा के लिए देश भर की प्रमुख नदियों का जल मंगाया गया है। इन पवित्र नदियों के जल के साथ पूजन विधि संपन्न होगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी माँ गंगा के तट ललिता घाट से कलश में जल लेकर के सीधे इसी रास्ते से आएंगे और बाबा के दरबार में गर्भगृह में बैठ करके सविधि पंचामृत से भगवान का अभिषेक करेंगे। विभिन्न पवित्र नदियों का जल मंगाया गया है जिसके द्वारा बाबा का पूर्ण अभिषेक होगा। उसके बाद चंदन, भस्म, विभूति, पुष्पमाला, दुर्वा, बिल्वपत्र आदि समर्पित करके भोग राग करके भगवान की आरती करने के बाद देश भर के धर्माचार्यों के साथ भव्य और दिव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे। कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर इस भव्य आयोजन के लिए सभी 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग के अर्चक को न्योता भेजा गया है। पीएम मोदी इन अर्चकों के साथ बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक और पूजा करेंगे। चारों पीठ के पीठाधीश्वर और धर्माचार्य भी मौजूद रहेंगे। कहते हैं सदियों पहले काशी में मंदिरों का जो जीर्णोद्धार अहिल्याबाई ने कराया था उसके बाद ऐसा पहली बार इस स्तर पर जीर्णोद्धार का काम हो रहा है। 2014 में हमारे प्रिय सांसद नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने संकल्प से सिद्धि की ओर ये यात्रा शुरू की। वो यात्रा उनकी थी कि विश्वनाथ मंदिर से विश्वनाथ धाम का जो चतुर्दिक विकास, चौमुखी विकास, काशी के पुनरुद्धार की जो संकल्पना लेकर के चले और इसकी मॉनिटरिंग लगातार हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बराबर करते रहे, जिसका सुखद परिणाम है कि आप विश्वनाथ धाम का विशाल वैभव आपके सामने दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जब भी काशी गए हैं उन्होंने तमाम विकास योजनाओं का शिलान्यास किया और कईयों का लोकार्पण किया, लेकिन ये मौका सबसे खास होने वाला है। एक दिन बाद 13 दिसंबर वो तारीख है जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के साथ बनारस एक भव्य और दिव्य युग में प्रवेश करने वाला है। और उनके काशी पहुंचने से पहले ही इस वक्त वहां जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। पूरे काशी में इसे एक उत्सव जैसे मनाने की तैयारी है। घर घर में लड्डू का प्रसाद पहुंचाने के लिए लाखों की संख्या में लड्डू बनाए जा रहे हैं।
बनारस की गलियों में कहीं पारंपरिक डांस हो रहा है तो कहीं भव्य तैयारियां चल रही। ऐसी चमक दमक, ऐसी रंगत, ऐसी रोशनी बनारस की नई पीढ़ी ने पहली बार देखी है। श्री नरेंद्र मोदी जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे तो उसके तुरंत बाद काशी के घर घर में बेसन के लड्डू का प्रसाद पहुँचना शुरू हो जाएगा। वाराणसी में कुल 8 विधानसभा है। हर विधानसभा को लड्डू तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रसाद के लिए लड्डू के करीब 8 लाख डब्बे तैयार किए जा रहे हैं। प्रसाद को 3,356 केंद्रों से 15,500 टोलियों के जरिए बांटा जाएगा। लड्डू के साथ दिव्य काशी भव्य काशी पुस्तिका भी पहुंचाई जाएगी। 13 दिसंबर को दोपहर बाद इन्हें बांटने का सिलसिला शुरू होगा। वाराणसी के कटिंग मेमोरियल स्कूल के हॉल में 2 लाख लड्डू बनाए जा रहे हैं। इसी तरह करीब 14 जगहों पर लाखों की संख्या में लड्डू तैयार कर डब्बों में पैक किए जा रहे हैं। हमको बाबा के प्रसाद के लिए से खुशी है, उनको पूजा के लिए, खाने के लिए, घर घर के बांटने के लिए, वही हम लोग के खुशी है। वाराणसी के शहर उत्तरी में पिछले 2-3 दिनों से लड्डू बनाने का काम लगातार जारी है। एक दिन पहले बीजेपी महासचिव तरुण चुग के साथ पार्टी के कई लोगों ने इन तैयारियों का जायजा लिया ताकि तय वक्त पर सभी तैयारियां पूरी की जा सके। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण कल होने वाला है। भगवान शिव के रंग में पूरी तरह से रंग गई है काशी। आइए आपको दिखाते हैं संवाददाता रणवीर की एक रिपोर्ट। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, ये वो श्लोक है, ये वो मंत्र है जो काशी विश्वनाथ मंदिर में गाया जाता है और साथ ही भगवान शंकर को जो डमरू प्रिय हैं वो डमरू बजाए जाते हैं। और आप देखिए, एक तरफ बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर है जिसका शिखर स्वर्णिम है और सोने से चमक रहा है, और उसके ठीक सामने जो द्वार है उस द्वार पर किस तरीके से शिव भक्त डमरू की थाप बजा रहे हैं और इस तरीके से भगवान भोले शंकर की आरती हो रही है। और कुछ इसी तरीके से भगवान भोले शंकर के स्वागत में इस जो शिव भक्त होंगे वो डमरू बजाएंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जगह आएंगे और यहाँ पर जो कॉरिडोर प्रोजेक्ट है उसका उद्घाटन करेंगे। तो उद्घाटन से ठीक पहले काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने जो इस तरीके से डमरू बजाकर बाबा विश्वनाथ की स्तुति और आरती की जा रही है। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़ वाराणसी। तो कल है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण, उससे जुड़ी तमाम अपडेट्स हम लगातार आप तक लाते रहेंगे। ABP News, आपको रखे आगे।